नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। नालासोपारा पूर्व अंतर्गत गालानगर सिरडी नगर में तस्लीम अंसारी नामक युवक पर बदमाशों ने किया चाकू से वार, युवक की हालत गंभीर। अपराधों का गढ़ बन चुका नालासोपारा शहर हर दिन किसी नई अपराध की घटना का गवाह बनता जा रहा है। बीती रात को भी नालासोपारा पूर्व के सिरडी नगर गालानगर क्षेत्र के ब्लॉसम कॉम्प्लेक्स से एक बड़ी अपराध की घटना आई सामने, जहां कुछ बदमाशों ने जावेद अंसारी के बड़े भाई तस्लीम अंसारी को बड़ी बेरहमी से चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया और भाग खड़े हुए। चाकू के वार से अत्यधिक खून बहने के बाद जख्मी हालत में पीड़ित को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, इस घटना के पीछे चरसी और गर्दुल्ले किस्म के लोगों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत एक व्यक्ति पिछले कई सालों से अवैध रूप से दारू का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है और जिस कारण इस तरह की घटना सामने आई। अब देखना यह है कि क्या व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद पुलिस प्रशासन घटना के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दिला पाएगी, क्या अवैध दारू व्यवसाय पर अंकुश लगा पाएगी। देखिए हेड न्यूज की क्राइम की एक रिपोर्ट। के करीब मेरे ऑफिस के पास श्रीनगर में कुछ लोग उसके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो उतने ही मेरी फ्रेंड पूजा ने उनको देखा वहाँ पे, तो उनको देख के भाग गए। फिर बाद में आधे पौने घंटे बाद मेरे दोस्त का फोन आया, आधे घंटे बाद, कि आपके भाई को किसी ने तो उस तरह से मार दिया। तो उसके बाद अभी उन्हें आईसीस अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभी उनको आईसीस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, मैंने ब्लड लेके आया, उनका पूरा ब्लड लॉस हो गया है और अभी उनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, अभी हालत बहुत गंभीर है उनकी। ये हमला किसने किया है, इस बात की कोई जानकारी? वहाँ पे कोई चरसी गंजड़ी लोग थे जो हमेशा वहाँ बैठे रहते हैं, उठते रहते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स में एक दारू वाला है जो 25 साल से दारू बेच रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस वाले आते हैं, उनसे मिलते हैं, अपना महीने का जो भी है वो लेके जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने कई बार ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, लिखित कंप्लेंट दी कि इसको बंद कराए। हमारे कॉम्प्लेक्स में 25 साल से ये जो भी है उनका इल्लीगल तरीके से धंधा चल रहा है, दारू बेचते हक्का करके हैं। हमेशा अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर आता है उनके ऊपर तो एक छोटा सा पुलिस नॉर्मल कलम लगाती है, उनकी दो घंटे में जामीन हो जाती है, फिर उसी दिन आके वो दारू बेचना चालू करते हैं। तो एकदम गढ़ बना हुआ है चरसुल्ले गर्दुल्ले का, वो दारू पीते हैं वहाँ, लूटने मारने के चक्कर में किसी को भी चक्कू से मारते हैं, किसी को भी लूटते हैं। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी जो सदानंद दादी जी हैं पुलिस आयुक्त, मेरा भाईंदर वसई विरार, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो हमारे ब्लॉसम कॉम्प्लेक्स शिरडी नगर नालासोपारा ईस्ट में जो 25 साल से इल्लीगल तरीके से दारू बेची जा रही है, जो गढ़ बना हुआ है चरसी व गर्दुल्लों का, उसको बंद कराए। वो जब बंद होगा तो ही यहाँ पे वो लगाम लगेगा क्राइम को, नहीं तो नहीं लगने वाला है। बस यही मेरी उनसे गुजारिश है।